स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाई हूँ वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। वुर्ज फिटिक अभिक्रिया जो है वुर्ज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया का मिक्सचर है, इसलिए आपको वुर्ज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले के दो वीडियो में आपने वुर्ज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया समझ ली है। वुर्ज अभिक्रिया मीन्स जिसमें एल्किल हैलाइड यूज करते हैं और फिटिक में हम क्या करते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, तो वुर्ज फिटिक क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करवाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद के रूप में आपको यहाँ क्या प्राप्त होता है, एल्किल एरीन बनता है। तो किस तरह से बनेगा आपका एल्किल एरीन, उदाहरण ले लेते हैं। हमने इसमें एल्किल हैलाइड लिया है, इसमें मैथिल क्लोराइड। ठीक है, एरिल हैलाइड हमने लिया है क्लोरोबेंजीन। जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं किससे, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखो सोडियम क्लोराइड जो है आपका निकल जाएगा, यहाँ जगह नहीं है ऊपर तो मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, टोलुइन, टोलुइन बोलते हैं इसको। ठीक है, बेंजीन रिंग में एक मैथिल ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसको बोला जाता है टोलुइन। एल्किल एरीन क्या उत्पाद है, एल्किल एरीन, एरीन में एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो एल्किल एरीन भी इसको बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो वुर्ज फिटिक क्या है, वुर्ज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया का मिक्सचर। तो वुर्ज फिटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो ये आपको तभी याद रह पाएगी जब आपको वुर्ज अभिक्रिया पता होगी और फिटिक अभिक्रिया पता होगी, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है ये, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड इसमें यूज हुआ है और सब चीजें सेम है, सोडियम धातु सेम है, शुष्क ईथर सेम है, अंतर क्या है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है वुर्ज फिटिक, तो एल्किल हैलाइड वुर्ज अभिक्रिया से आया, फिटिक अभिक्रिया से एरिल हैलाइड आया और सेम सोडियम धातु से करवाएंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको एल्किल एरीन प्राप्त होगा जो कि क्या है, टोलुइन। ठीक है।